तो कैसे हो भाई लोग, और स्वागत है PUBG मोबाइल लाइट की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक पुश और उस पे करते करते क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं उसके बारे में, यानी मैं सब एक्सपीरियंस से बताऊंगा जो भी है। मैं अभी फ़िलहाल ही सोलो में कॉन्करर टच किया है मैंने, तो उससे पहले बनाता तो तुम लोग बोलते यार खुद तो कर नहीं पा रहे, हमको क्या टिप देगा वगैरह वगैरह, होता है काफ़ी लोगों को लगता है ऐसा। तो अब जब टच कर लिया मैंने सोचा बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो टिप यही है कि फर्स्ट सर्कल की फ़ाइट अवॉइड करो, जहाँ पर यानी डायरेक्ट फाइट होती है ना, जहाँ पर लक के ऊपर डिपेंड होता है कि गन मिली तो मार देंगे, नहीं मिली तो नहीं मार पाएंगे। तो वैसी जगह पे उतरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम शुरू में ही मर गए ना और यानी 58 59 60 ऐसी पोजिशन आई तो काफ़ी माइनस होते हैं। शुरुआत में तो नहीं होंगे डायमंड और प्लेटिनम ये सब में, पर क्राउन और एस में काफ़ी ज़्यादा माइनस होते हैं, 35 40 ऐसे करके। तो फर्स्ट सर्कल की फ़ाइट अवॉइड कर सकते हो तुम, और जो रश खेल रहे हैं ना तो उनके लिए नहीं है ये टिप्स, क्योंकि उनको पहले से ही पता रहता है ना कि कहाँ रश मारना है, कैसे रश मारना है, कैसे पुश करना है, कैसे फ़ाइट्स अवॉइड करना है और कैसे निकलना है ऐसे सिचुएशन से। तो मेरे टिप्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही सब कुछ पता है। ये उनके लिए है जो जिनको थोड़ी मुश्किल होती है यानी रश मारने में या फिर रैंक पुश करने में, तो ये उन्हीं के लिए है। तो पहली टिप यही थी कि फर्स्ट सर्कल की फ़ाइट अवॉइड करना ताकि ज़्यादा माइनस ना हो। काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर 30-40 माइनस होते हैं, तो फिर बोलते हैं कि छोड़ो यार मैं नहीं कर रहा रैंक पुश, तो वही है उसी लिए। दूसरी टिप यही है, हमेशा बोलता हूँ मैं अपने साथ एक कार रखना हमेशा, तुम्हें लोकेशन पता होनी चाहिए कि कार की कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे जा सकते हैं, और कार तुम्हारी हमेशा मदद करेगी भाई, सही बता रहा हूँ, हमेशा सर्कल के अंदर पहुँचने में भी और गोलियाँ से बचाने में भी और यानी जल्दी जल्दी रश मारने के लिए भी। तो दूसरी टिप यही है कि कार अपने पास रखना हमेशा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है गन कॉम्बो, और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है पूरी तरह, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे स्टाइल के ऊपर रहेगा गन कॉम्बो तुम्हारा, तुम कैसी फाइट प्रेफर करते हो, क्लोज रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज वगैरह वगैरह, तो वो तुम्हारे ऊपर है। जैसा कि मैं मिड रेंज और क्लोज रेंज ही फाइट प्रेफर करता हूँ, तो मैं एक हाथ में AR रखता हूँ हमेशा, एक हाथ में या तो UZI रहती है या S12K रहती है। स्नाइपर बहुत कम उठाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कम, आजकल फ़िलहाल उठाने लग गया हूँ, वरना मैं बहुत कम उठाता हूँ स्नाइपर। तो ये हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट है टीमिंग, ये जैसे कि तुम देख रहे हो तीन लोग मेरे पे टीमिंग करके मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं उसका, क्योंकि अगर तुम्हारे सामने अगर कोई भी ठीक ठाक खेलने वाला भी बंदा आ जाता है ना, तो वो बरसा देगा पूरी तरह। और टीमिंग में क्या है कि कपड़ों का कन्फ्यूजन हो जाएगा, फुटस्टेप्स का कन्फ्यूजन रह जाएगा, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तुम्हारे टीम वाला कौन सा है, तो टीमिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा और तुम्हारे रैंक पुश में भी कोई मदद होगी नहीं, ठीक है। अब जबकि टीमिंग का भी बता दिया है मैंने, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो अभी यार मैं ऑन द स्पॉट सोच रहा हूँ ना, पॉइंट्स तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सब एक्सपीरियंस ही बताऊंगा ना, जो भी बताऊंगा यानी ऐसे उल्टा फुल्टा तो बताऊंगा नहीं, तो मेरे को सोचना पड़ता है कि मैंने क्या क्या वो किया है, यानी झेला है, कैसे आगे बढ़ा हूँ मैं वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टॉप 10 का, मैं पहले बता देता हूँ, जो जो याद आते रहेंगे मैं बताते रहूँगा, अभी टॉप 10 की बात करते हैं। टॉप 10 में जब तुम पहुँचोगे ना, टॉप 10 या 15 बंदे होंगे जब सर्कल पे, एक बार अपनी कार से एक राउंड मार लेना, ठीक है, गोल चक्कर मार लेना और बंदों को स्पॉट कर लेना एक तरह से, लोकेशन कहाँ कहाँ से गोलियाँ चल रही हैं, ताकि तुम अलर्ट रहोगे कि वहाँ पर बंदे हैं उस डायरेक्शन में, और मैं वहाँ पर यानी तुम्हारा फोकस रहेगा कि अगर वहाँ से कोई आता है तो मैं मार दूंगा वहाँ से, और किल भी मिल जाएगा और मरूंगा भी नहीं। तो ये हो गया नेक्स्ट, एक राउंड मार लेना एक बार जब 15 बंदे बचे रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताऊँ मैं तुम्हें अब, ओके एक सेकेंड, ओके तो नेक्स्ट पॉइंट में ये बात करते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर रश हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे ऊपर रश होता है ना, तो कॉन्स्टेंट मूवमेंट करा करो, क्योंकि अगर तुम स्टिल रहोगे ना
तो थोड़ी बहुत मूवमेंट तो पता चल ही जाएगा कि बंदे को कि है यहाँ पर एक बंदा, तो वो इस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। तो कांस्टेंट मूवमेंट करते रहना तुम, यानी हिलते रहना, उसको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन मत देना, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि वो भी कंफ्यूज रहेगा और तुम मार सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता रहेगा कि वो रश मार रहा है, एक ही रास्ते से आएगा तो तुम मूवमेंट करते रहोगे और तुम देखते भी रहोगे, तो आसानी रहती है उससे, ठीक है? तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उससे। तो ये हो गया है नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट, रेड जोन से दूर रहना, जो कि अभी दिख रहा है मेरे को, क्योंकि काफ़ी बार होता है रेड जोन से मर जाते हैं, तो काफ़ी दुख होता है भाई, मेरे को काफ़ी होता है भाई, बॉम्बिंग जोन पड़ जाता है ऊपर बॉम्ब, तो तीन बार, हाँ इस सीज़न तो तीन ही बार पड़ा है मेरे ऊपर बॉम्ब सोलो में, तो पिछली बार ज़्यादा पड़े थे, तो इस बार तो मैं खुश हूँ फिर भी। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, अभी मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ, जैसे कि तुम देख रहे हो, मैं पोजीशन जानने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों की कहाँ पर है। तो मैं हमेशा करता हूँ ऐसा, हमेशा टॉप 10 या टॉप 15 में एक बार गाड़ी घुमाता हूँ चारों तरफ और लोकेशन पता कर लेता हूँ लोगों की। फिर एक जगह जाके बैठ जाना है तुम्हें, जहाँ से तुम्हें अच्छा व्यू मिले और तुम बंदों को स्पॉट कर सको ईजीली, तो वही है। तो दूसरा, अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट, हाई पॉइंट यानी हायर प्लेस हमेशा फ़ायदेमंद होती है, जो अगर तुम पहाड़ पे हो या कहीं पे भी हो, यानी हाइट पे रहोगे ना तो तुम्हें फ़ायदा होगा बंदों को मारने में, बजाय नीचे से ऊपर जाओगे तो यानी निशाना लगाने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, या और बंदे का स्पॉट करने में भी प्रॉब्लम होती है घास की वजह से वगैरह वगैरह, ये सब जो बहुत चीज़ें होती है छोटी छोटी, उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हायर प्लेस हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर देखो, ये एक चीज़ लोगों को पता नहीं है, ठीक है, कि नेड में लो टॉस भी होता है। तो यहाँ पर मेरे छत के ऊपर एक बंदा है और मेरे को थोड़ी आवाज़ आई थी और यहाँ पर मैंने लो टॉस किया, ठीक है, नेड का, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, हाई टॉस ही रहता है तो लोग करते ही नहीं कभी लो टॉस। तो यहाँ लो टॉस किया मैंने थोड़ा सा ऊपर और ये फेंक दिया, तो उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उसको लगा होगा नेड आएगा तो मैं, यानी तब तक टाइम तो मिल ही जाएगा मेरे को, तो वही है। तो लो टॉस का भी ध्यान रखना, काफ़ी लोग काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए तो इतनी चीज़ें थी बताने की, और भी होंगी, मेरे को याद नहीं आ रही है फ़िलहाल। तो अब तो मैं रश करने लग गया हूँ यहाँ पर लोगों पे, क्योंकि अब टॉप 10 बचे हैं, क्यों, और मेरे को पता है कि अब माइनस तो होंगे नहीं मेरे, क्योंकि मैंने मार दिए हैं 3-4 बंदे और टॉप 10 में पहुँच गया हूँ। तो मैं अब रश करने लग गया हूँ, और यहाँ पर मशीन गन है मिली मेरे को, नाइस। तो टिप्स तो तुमने जान ही लिया, थोड़ी बहुत बता दिया, और मैं एकदम एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बोलता है ना तुम्हें कि ये चीज़ फॉलो करो और तुम पहुँच जाओगे 7 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, शुरू में ही बता दूँ, टिप्स से तुम्हें हेल्प करने के लिए बस टिप्स, और बाकी तुम्हारे गेम प्ले और तुम्हारे रिएक्शन टाइम वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है वो सब, तुम्हारे गेम प्ले और एक्सपीरियंस के ऊपर। तो एक्सपीरियंस तो तभी मिलेगा जब तुम ज़्यादा गेम खेलोगे, ज़्यादा यानी अपोनेंट को फेस करोगे, ठीक है? तो अगर तुम पूरा कैंप करके खेलते हो ना तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि तुम एनिमी से फेस कर ही नहीं रहे हो, कैंप कर रहे हो, टॉप 10 में जा रहे हो फिर मर जा रहे हो, तो कोई उससे कुछ मिल नहीं रहा है तुम्हें, ना एक्सपीरियंस गेन हो रहा है ना कुछ भी हो रहा है, तो वही है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि, और तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ना कि वो कर लो, तुम क्या बोलते हैं, क्राउन 5 तक तुम पुश करके खेलो, ठीक है, पूरा रश मार के, ठीक है, जहाँ तुम डरने की ज़रूरत नहीं है, पहला सर्कल सेफ रखो फिर बाकी रश मार के खेलो पूरा, ठीक है, क्राउन 5 तक, तो उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर है, तुम सेफ खेलना चाहते हो सेफ खेलो, वरना तुम्हारी मर्ज़ी है। तो उससे क्या होगा, देखो अगर तुम क्राउन 5 तक रश मार के खेलोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा थोड़ा, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई रश मारता है फिर बाद में, या तुम किसी पर रश मारते हो तो तुम घबराओगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? अगर तुम कैंप करते रहोगे दिन भर वगैरह वगैरह जो भी है, कैंप करोगे, लेटोगे, घर के अंदर छुपे रहोगे, तो अगर तुम्हारे ऊपर रश मारता है कोई तो तुम नर्वस हो जाते हो फिर, ठीक है, तो ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाते हो, फिर बंदा वो मार के चले जाता है, तो वही होता है।
अगर तुम शुरू से ही रश मार के खेलोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तुम यानी झिझकोगे नहीं, क्या बोलते हैं, हेजिटेट नहीं करोगे रश मारने में, पुश मारने में, अगर तुम्हारे पर रश होगा फाइट लेने में वगैरह वगैरह, तो इन सब पे झिझकोगे नहीं। और एक और बात, हाँ ठीक है, गोल्डन वुड्स में खेल सकते हो तुम। अगर गोल्डन वुड्स खेलोगे ना, अगर तुम दूर उतरते हो कहीं, तो तुम्हारी फाइट सीधा टॉप 10 में ही होगी, उसके बाद असली बंदा मिलेगा ही नहीं। मैंने नोटिस किया काफ़ी कम लोग खेल रहे हैं गोल्डन वुड्स, पर गोल्डन वुड्स काफ़ी बड़ा मैप है ना, तो टाइम भी काफ़ी लगता है, टाइम काफ़ी देना पड़ता है, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए लोग शायद नहीं खेलते हैं। तो वहाँ पर तुम खेल सकते हो, तो वहाँ पर तुम रैंक पुश के लिए खेल सकते हो, पॉइंट मिल जाएंगे तुम्हें। तो फिलहाल के लिए इतनी टिप्स थी, और याद आएगी तो मैं भी, तो यही थी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। ट्रिक्स तो थी नहीं, टिप्स ही टिप्स थी, ट्रिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी तो ये गेम प्ले पूरा देख लो तुम, और अगर टिप्स काम की लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारी मर्जी है बाकी तो। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और सॉरी यार वीडियो लेट हो गई है थोड़ी, दोबारा बोलता हूँ सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम यार, ये गेम प्ले देख लो तुम पूरा, तब तक जीत चुका हूँ मैं वैसे, पहले ही बता दूँ। तो चलो बाय बाय बाय।